तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश राइटर विलियम सोमरसेट मॉहम की बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट स्टोरी द लंचन। ये बहुत ही कमाल की स्टोरी है और साथ ही इसमें कॉमेडी भी है। लंचन यानी होता है दोपहर का खाना, या फिर लंच कह सकते हैं। काफ़ी सिंपल और डिफरेंट वे में इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। राइटर कहते हैं कि जब मैं थिएटर में था, तब वहाँ एक मोटी सी औरत इशारे करके मुझे अपने पास बुला रही थी। तब मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं इसे जानता हूँ, और फिर इंटरवेल में मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई और बोली, ये टाइम भी कितना अजीब है ना, कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे अभी भी जानते हो या फिर भूल गए। पता है तुमने मुझे पेरिस में अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया था। आगे राइटर कहते हैं कि यह एक बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट था जो मुझे ये औरत अब वापस याद दिलाने की कोशिश कर रही है। 20 साल पहले की बात है, जब मैं पेरिस में रहा करता था। लेटिन क्वार्टर में मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट था। यह मेरी लाइफ का स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था और मेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और इस टाइम मैंने एक बुक लिखी। पब्लिश होने के बाद काफ़ी लोगों ने इसे पढ़ा, और यह औरत भी उन्हीं लोगों में से एक थी। इसने मेरी बुक को पढ़ा और फिर मेरे लिए एक लेटर लिखा, जिसमें इसने बताया कि मेरी बुक कितनी अच्छी थी। क्योंकि यह मेरा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था, तो इस औरत से मुझे अपनी तारीफ सुनकर काफ़ी अच्छा लगा, और फिर मैंने थैंक्स बोलकर इसके लेटर का रिप्लाई किया। और इसके बाद इसने एक और लेटर लिखा, जिसमें कहा कि मैं पेरिस से ही गुजर रही हूँ, क्या हम मिलकर कुछ बातें कर सकते हैं। तब मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने मिलने के लिए इनवाइट किया है, तो उससे मना भी नहीं कर सकता। और फिर लड़की के सामने रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ही मिलना पड़ेगा, ऐसे ही किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में तो नहीं मिल सकता। मैंने सोचा कि क्या मुझे फोयोट रेस्टोरेंट में उसे लेकर जाना चाहिए। फोयोट बहुत ही फेमस, एक्सपेंसिव और अच्छा रेस्टोरेंट है, और इसमें फ्रांस के अमीर लोग जैसे कि पॉलिटिशियन और एक्टर्स यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, और मैं ठहरा गरीब इंसान, मेरा तो गुजारा भी मुश्किल से होता था, तो वहाँ जाने की तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस टाइम मैं जवान था और एक लड़की ने बुलाया था, तो अब कैसे भी करके जाना ही था। मेरे पास टोटल 80 फ्रांसेस थे, जिससे मुझे पूरे महीने का खर्चा निकालना था। मैंने सोचा कि अगर हम लाइट फूड खाते हैं तो पूरे महीने में लगभग 50 फ्रांसेस खर्च होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लड़की से जाकर मिलना है तो थोड़ा बहुत लाइट फूड खा लेगी और क्या, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 फ्रांसेस खर्च होंगे, और 2 हफ्ते कॉफ़ी पीना बंद कर दूंगा, जिसमें ही 15 फ्रांसेस बच जाएंगे। लेकिन लड़की से तो जाकर मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह जैसे तैसे मैंने अपने आप को कन्विंस किया, और उस लड़की के लिए लेटर में लिखा कि थर्सडे को 12 बजे मैं आपसे फोयोट रेस्टोरेंट में मिलूँगा। जल्दी ही टाइम निकल गया, और फाइनली थर्सडे को 12 बजे फोयोट रेस्टोरेंट में मैं पहुंचा। और जैसा मैंने उस लड़की को एक्सपेक्ट किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो 40 ईयर्स की मोटी सी औरत थी और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी। उसने अपने चमकीले सफ़ेद दांत दिखाकर मेरा वेलकम किया। उसे देखकर मैं मन ही मन सैड सॉन्ग गाने लगा, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, खैर जो होना था वो हो गया। ये औरत बहुत बातें करती थी, क्योंकि ये मेरे और मेरे काम के बारे में बात कर रही थी, इसलिए मैंने बोलने की बजाय उसकी बातों को सुनना ठीक समझा। जब वेटर ने मुझे खाने की चीज़ों का मेन्यू दिखाया, तो उसकी प्राइजेज को देखकर मैं चौंक गया, मानो कि जैसे मुझे एक छोटा सा हार्ट अटैक आ गया हो। खाने की इतनी प्राइजेज मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तब उस लड़की ने कहा, मैं दोपहर में ज़्यादा खाना नहीं खाती, और उसकी इसी बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने भी खुश होकर कहा, अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, कुछ भी नहीं लेंगी, कुछ तो लीजिए। फिर उसने कहा, मैं दोपहर में सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। आजकल के लोग तो पता नहीं दोपहर में क्या क्या खाते रहते हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी सैल्मन फिश खाना पसंद करूँगी, क्या इस रेस्टोरेंट में सैल्मन फिश मिलेगी। हालांकि इस टाइम न्यू ईयर की शुरुआत थी और सैल्मन फिश मेन्यू में कहीं भी मेंशन नहीं थी, तो इसके एक्सपेंसिव होने के फुल चांस थे। फिर भी मैंने वेटर से पूछा कि यहाँ सैल्मन फिश अवेलेबल है, और मन ही मन में सोच रहा था कि काश ये मना कर दे। लेकिन वेटर ने कहा, जी सर बिल्कुल, अभी अभी फ्रेश सैल्मन फिश यहाँ आई हैं, और ये इस साल की फर्स्ट सैल्मन फिश है। फिर मैंने कहा, चलो भाई ले आओ सैल्मन फिश। जब आई गई है तो वेटर भी बड़ा अजीब इंसान था। उसने उस औरत से कहा, मैम जब तक सैल्मन फिश तैयार होती है तब तक आप कुछ और लेना पसंद करेंगी। तो उसने वेटर से मना कर दिया
गया तब मेरी टेंशन कुछ कम हुई, लेकिन फिर उसने कहा मैं लंच में एक से ज़्यादा कुछ नहीं खाती, लेकिन हाँ अगर लिटिल केवियर मुझे ऑफ़र करें तो मैं मना नहीं कर सकती। इट मीन्स इस लेडी को केवियर यानी कि मछली के अंडों की बनी डिश बहुत पसंद है, और यह सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया क्योंकि मुझे पता है कि केवियर को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यह बात मैं उसे भी नहीं बता सकता। फिर मैंने वेटर से कहा जाओ भाई जाकर मैम के लिए केवियर भी ले आओ, और मैंने अपने लिए मेन्यू में से सबसे सस्ती डिश ऑर्डर की जो थी मटन चॉप। फिर उसने कहा मुझे नहीं लगता कि इस टाइम मटन चॉप को खाना सही डिसीजन है, तुम इतना हैवी फूड खाकर काम कैसे कर पाओगे, मटन चॉप तो बहुत ही हैवी फूड होता है, मैं तो अपने पेट को बहुत ही हल्का रखती हूँ, दोपहर में बस एक ही चीज़ खाती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं। अब खाने के बाद सवाल यह था कि ड्रिंक कौन सी मंगवाई जाए, फिर उस औरत ने कहा कि मैं तो दोपहर में कुछ पीना पसंद नहीं करती। मैंने भी जल्दी से कहा हाँ सही बात है मैं भी दोपहर में कुछ पीना पसंद नहीं करता, और फिर उसने कहा कि अगर फ्रेंच वाइट वाइन हो तो बात अलग है, यह बहुत ही लाइट ड्रिंक होती है, इसे तो मैं पी सकती हूँ और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। फिर मैंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे पूछा कि तो फिर आप क्या पीना पसंद करेंगी, उसने मेरी तरफ़ देखा और अपने बड़े बड़े दांतों से मुस्कुराई और कहा कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे सिर्फ शैम्पियन पीने की परमिशन दी है, शैम्पियन एक टाइप की शराब होती है और इसका नाम सुनकर मेरी टेंशन और बढ़ गई। मैंने वेटर से बहुत ही स्लो आवाज़ में हाफ बोतल शैम्पियन लाने को कहा, और फिर मैंने उस औरत से कहा कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे कुछ भी पीने की परमिशन नहीं दी है। तो फिर उसने मुझसे पूछा तुम क्या पियोगे, मैंने कहा पानी, मैं तो सिर्फ पानी पीऊँगा, मैं बिल को कम से कम रखने की कोशिश कर रहा था, बट इस औरत का तो बिल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मैं लंच में एक से ज़्यादा कुछ नहीं खाती, यह कहते हुए ये एक के बाद एक चीज़ें ऑर्डर कर रही थी। इसके बाद उसने वापस खाना स्टार्ट किया और जल्दी ही उसने सेलमन फिश और केवियर ख़त्म कर लिए, और फिर वो खुश होकर आर्ट और लिटरेचर के बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन मेरा उस तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मैं सोच रहा था कि पता नहीं बिल कितना आएगा। इसके बाद जब मेरा मटन चॉप आया तो फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपको लंच में बहुत ही हैवी फूड खाने की आदत पड़ गई है, आप मुझे फॉलो क्यों नहीं करते, आपको मुझसे सीखना चाहिए, जैसे मैंने लंच में सिर्फ एक ही तो चीज़ खाई है, मतलब इतना खाने के बाद भी ये मुझे डाइटिंग के टिप्स देने लगती हैं। इसके बाद जब वापस वेटर आया तो मैंने उससे कहा नहीं नहीं भाई साहब मैं सिर्फ यही खाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा। फिर उस औरत ने इशारे करके उस वेटर को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं एक से ज़्यादा कुछ नहीं खाती, मैं बहुत ही कम खाना पसंद करती हूँ, बट अगर तुम मुझे एस्पेरेगस ऑफ़र करो तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं पेरिस से बिना एस्पेरेगस खाए वापस चली गई तो मुझे बहुत ही रिग्रेट फील होगा। यह सुनकर मेरी टेंशन वापस बढ़ गई। एस्पेरेगस को मैंने दुकानों के बाहर से गुजरते हुए कई बार देखा था और मुझे पता था कि ये बहुत ही महंगा होता है। अब जितनी भी हिम्मत मुझ में बची थी उस हिम्मत को जुटाकर मैंने वेटर से पूछा मैडम जानना चाहते हैं कि आपके पास एस्पेरेगस हैं। यह कहकर मैंने मन ही मन गॉड से दुआ मांगी काश इस बार ये वेटर मना कर दे, लेकिन एस्पेरेगस का नाम सुनकर तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कहा जी सर हमारे पास तो बहुत ही बड़ा एस्पेरेगस है जो कि बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी और फ्रेश है। अब वापस वो औरत बोली वैसे तो मेरा पेट भर चुका है लेकिन तुम अगर इतना जोर दे रहे हो तो मैं उसे एक बार जरूर खाना चाहूँगी। और फिर मैंने वेटर को एस्पेरेगस का ऑर्डर दे दिया। मैंने सोचा कि शायद ये उसका लास्ट ऑर्डर है। उसने मुझसे पूछा कि आप नहीं खाओगे एस्पेरेगस, तब मैंने कहा जी नहीं मैं कभी कोई एस्पेरेगस नहीं खाता, जबकि हकीकत तो यह है कि मैं बिल को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा था, वरना खाने की चीज़ों को फ्री में कौन मना कर सकता है। और फिर हमने एस्पेरेगस के पकने का इंतज़ार किया। अब मेरी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी। अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि मैं पूरे महीने का खर्चा कैसे निकाल पाऊँगा, लेकिन टेंशन तो इस बात की थी कि जो मैं एटी फ्रांस से यहाँ लेकर आया था उनसे बिल चुका पाऊँगा या नहीं, अगर बिल चुकाते टाइम पैसे कम पड़ गए और इस औरत से पैसे मांगने पड़े तो इसके सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार, कि जब पैसे ही नहीं थे तो इतने बड़े रेस्टोरेंट में आने की क्या ज़रूरत थी। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि अगर बिल पे करते टाइम पैसे कम पड़ गए तो मैं अपनी जेब में हाथ डालूंगा और खाली हाथ बाहर निकालते हुए बोलूंगा कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया है। लेकिन अगर इस औरत के पास भी बिल चुकाने के पैसे नहीं हुए तो फिर क्या होगा, यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर मैं अपनी वॉच गिरवी रख दूंगा और कहूंगा कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं पैसे देकर वापस इसे ले जाऊंगा, तब तक आप इसे अपने पास रख लो क्योंकि अब दूसरा तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और मैं ये सब सोच ही रहा था
तभी गर्मा गर्म टेस्टी एस्पेरिगस तैयार होकर मेरी टेबल पर आ जाता है, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। इसकी खुशबू इतनी शानदार थी कि किसी को भी भूख लग जाए। मैं उस औरत को एस्पेरिगस खाते हुए देख रहा था, जिस पर पिघलते हुए मक्खन की खुशबू मुझे लगातार परेशान कर रही थी। थोड़ी देर में वो अकेले ही उस एस्पेरिगस को खा गई। फिर मैंने उससे पूछा, अब कॉफ़ी पियोगी? उसने झट से कहा, हाँ सिर्फ एक आइसक्रीम और कॉफ़ी। यह सुनकर एक बार फिर मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई। मैंने रिलैक्स फील किया और सोचा कि कॉफ़ी पीना तो लंच की लास्ट प्रोसेस होती है। मैंने खुशी से कहा, वेटर एक कॉफ़ी मेरे लिए और मैडम के लिए एक कॉफ़ी और आइसक्रीम लेकर आओ। कॉफ़ी पीते हुए उस औरत ने कहा कि इंसान को खाना खाने के बाद इतनी जगह पेट में छोड़ देनी चाहिए कि वो कुछ और खा सके। यह सुनकर मेरी टेंशन कुछ हद तक वापस बढ़ गई। मैंने बिल्कुल दबी हुई आवाज में पूछा कि क्या आप अभी भी भूखी हैं? उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं लंच में तो कुछ खाती नहीं हूँ, बस सुबह एक कप कॉफी और फिर शाम को डिनर। लंच में तो बस एक चीज़ के अलावा कुछ खाती नहीं हूँ। तब मैंने कहा, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम कॉफ़ी का इंतज़ार कर ही रहे थे। तभी वेटर्स का हेड मुस्कुराता हुआ वहाँ पर आया, जिसके पास एक ओपन बॉक्स था जिसमें पिचेस भरे हुए थे। पिच दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि यह पिच का सीजन नहीं था, तो इनके एक्सपेंसिव होने के फुल चांस थे, क्योंकि बिना सीजन के फ्रूट्स महंगे होते हैं, भगवान जाने वो कितने के होंगे। और अब उन पिचेस को देखकर उस औरत का मन एक बार फिर बदल गया। उसने मुझसे कहा, आपने तो बहुत ही हेवी लंच किया है, तो आप तो कुछ भी नहीं खा सकते, लेकिन मैंने तो लंच में हल्का खाना खाया है, तो मैं इन पिचेस को एक बार इंजॉय कर सकती हूँ। यह कहते हुए उसने एक पिच उठाया और उसे खाने लग गई। और अब खाने के बाद फाइनली बिल आया। मैंने देखा कि बिल मेरे महीने के खर्चे से थोड़ा कम था। बिल पे करने के बाद मेरे पास 80 फ्रांसेस में से 3 फ्रांसेस बचे थे, जो मैंने वेटर को टिप में दे दिए। रेस्टोरेंट से बाहर आने पर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास अभी तो पूरा महीना है खर्चे के लिए और जेब में एक फ्रांस भी नहीं है। लंच का एंड करते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि तुम अभी से मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दो, लंच में सिर्फ एक ही चीज़ खाया करो मेरी तरह। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई और मैंने कहा, मैं तो इससे भी अच्छा करूँगा, अब आज रात मैं तो कुछ खाऊँगा ही नहीं। कम की बात छोड़ो, मैं तो कुछ खाऊँगा ही नहीं। रात को वो कैब में बैठ गई और मेरा जवाब सुनकर हंसकर बोली, बड़े ही मजाक के इंसान हो तुम, जबकि हकीकत तो यह है कि वास्तव में मेरे पास रात के खाने के पैसे ही नहीं थे। और अब स्टोरी आ जाती है वापस प्रेजेंट में, जब 20 साल बाद राइटर ने इस औरत को फिर से थिएटर में देखा, जिसे देखकर इनका वो 20 साल पहले का रिवेंज भी पूरा हो गया, क्योंकि अब इसका वेट 133 केजी है, ये काफ़ी मोटी हो चुकी है। वैसे राइटर अपने आप को किसी से बदला लेने वाला इंसान नहीं मानते। एज ए रिजल्ट इस स्टोरी में यही बताया गया है कि आप जैसा बिहेवियर दूसरों के लिए रखोगे, वैसा ही बिहेवियर एक दिन आपके लिए भी होगा। और फिर इंग्लिश में कहा भी गया है, एज यू सो सेल यू रिप, यानी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे काम करोगे उनका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। इस स्टोरी से हमें यह सीखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर भी ऐसी कोई बुरी आदत है जैसे कि उस औरत में थी। अगर हाँ, तो उसे समय रहते ठीक कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह है इंग्लिश राइटर विलियम सोमरसेट मॉम की शॉर्ट स्टोरी द लंचन। और कैसी लगी आपको यह स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।